सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। रुधिर दाब जो पिछले टॉपिक पढ़े हैं उन्हीं से जोड़ते हुए अगला जो मोटापा था उसके बाद का नया टॉपिक है हमारा रुधिर दाब, मतलब ब्लड प्रेशर। देखिए क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर हृदय द्वारा जो रुधिर को धमनियों में प्रवाहित किया जाता है, तो रुधिर को जब धमनियों में प्रवाहित किया जाता है तो धमनियों की आंतरिक भित्ति पर एक दबाव लगता है, उसी दबाव को, उसी प्रेशर को रुधिर दाब कहते हैं। जब हृदय से रुधिर पंप होगा तो धमनियों पर दबाव लगेगा, ये है ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब। रुधिर दाब एक स्वस्थ व्यक्ति में 120/80 mm होना चाहिए। स्वस्थ व्यक्ति में रुधिर दाब का मान, एक नंबर के लिए क्वेश्चन होता है, स्वस्थ व्यक्ति में रुधिर दाब का मान कितना होता है, तो 180 उच्च और 80 लो होता है। होता क्या है कि जब हृदय द्वारा रुधिर को धमनियों में पंप किया जाता है तो धमनियों में पहले जो प्रेशर का मान होता है वो 120 होता है, और बाद में वो जब रुधिर हृदय में भरता है तो 80 हो जाता है। जब 120 ये होता है उस प्रेशर को, मतलब जब हृदय द्वारा धमनियों में रुधिर को पंप किया जाता है तो धमनियों की आंतरिक भित्ति पर दबाव का मान 120 mm हो जाता है, इसे हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हृदय में रुधिर भरने लगता है धमनियों से शिराओं में और शिराओं से रुधिर हृदय में पहुंचता है तो ये है दाब भरता घटता हुआ 80 mm हो जाता है, इसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर संकुचन और शीतलन इसे हम कह सकते हैं, परंतु इंग्लिश नाम है ये बढ़िया है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। जब रुधिर दाब का मान बढ़कर 120 mm होता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, और जब ये घटकर 80 mm हो जाता है तो उसे डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। रुधिर दाब को मापने का एक यंत्र, एक उपकरण होता है, उसे स्पाइक मोमेनोमीटर कहते हैं, ये होता है रुधिर दाब मापी, हिंदी में आप कह सकते हैं रुधिर दाब मापी, ठीक है, इंग्लिश नाम है और अच्छा नाम है स्पाइक मोमेनोमीटर, बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है व्यक्तियों में रुधिर दाब को किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है, तो रुधिर दाब मापने के लिए जो उपकरण है उसका नाम, वैज्ञानिक नाम है स्पाइक मोमेनोमीटर, हिंदी में हम कह सकते हैं रुधिर दाब मापी यंत्र। तो इसके द्वारा हम रुधिर दाब को मापते हैं, जब दाब बढ़ता है 120 होता है स्वस्थ व्यक्ति में और घटता है तो 80 आता है, इसी के बीच में होना चाहिए व्यक्ति में। जब डायस्टोलिक प्रेशर मतलब 80 तक होता है, इससे डाउन होता है तो फिर लो बीपी हो जाता है, और जब 120 mm से अधिक होता है तो उसे हायर बीपी कहते हैं। इस आधार पर हमने रुधिर दाब को दो भागों में बांट दिया, पहले हम देखेंगे लो या निम्न रुधिर दाब। निम्न रुधिर दाब, निम्न रुधिर दाब, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब हृदय द्वारा रुधिर को धमनियों में पंप किया जाता है तो किन्हीं कारणों से, कारण कई सारे हो सकते हैं, अनियमित दिनचर्या हो सकती है, गलत खान पान हो सकता है, व्यायाम ना करना हो सकता है, तो और भी कई सारे कारणों से निम्न रुधिर दाब की घटना होती है। होता यह है कि धमनियों में जो रुधिर को पंप किया जाता है हृदय द्वारा उसका मान जो 80 mm 120 से 80 के बीच ही रहना चाहिए वो और घट जाता है और 80 से भी डाउन हो जाता है, इस घटना को हम लो ब्लड प्रेशर निम्न रुधिर दाब कहते हैं। घातक किस्म का एक तरह से रोग है। व्यक्तियों में क्या होता है कि जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो शरीर के जो महत्वपूर्ण अंग हैं जैसे मस्तिष्क है, हृदय है,
फेफड़े हैं, किडनियां हैं, इन सब तक रुधिर पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि प्रेशर डाउन है। प्रेशर डाउन है तो सिर पे जैसे मस्तिष्क ऊपर की ओर है, वहां तक पहुंचने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो बड़े अंगों को जितनी मात्रा में ऑक्सीजन चाहिए वो रुधिर उतना वहाँ नहीं पहुँच पाता है, पर्याप्त तो ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल पाती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है कि व्यक्ति के वो अंग ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं। जैसे मस्तिष्क, लो ब्लड प्रेशर होने पर मस्तिष्क अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर पाता है। अन्य किडनी पर, फेफड़ों पर, इन पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा डाउन हो जाता है, कम हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में ये अंग कार्य करना बंद कर देते हैं। और जब ये कार्य करना बंद कर देते हैं तो इसके प्रभाव से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो ये था लो ब्लड प्रेशर, निम्न रुधिर दाब। दूसरा होता है उच्च रुधिर दाब, हायर ब्लड प्रेशर। उच्च रुधिर दाब, इसमें क्या होता है कि कारण इसके भी कई हो सकते हैं। ज़्यादा मसालेदार भोजन करना, तले भुने ज़्यादा भोजन करना, व्यायाम नहीं करना, इस तरह की घटनाओं के कारण व्यक्तियों में क्या होता है कि रुधिर दाब, ब्लड प्रेशर का मान 120 mm की तुलना में ज़्यादा हो जाता है। और एक एवरेज से जब ये ज़्यादा हो जाता है तो धमनियों में ज़्यादा प्रेशर के साथ रुधिर प्रवाहित होने लग जाता है। जब जरूरत से ज़्यादा प्रेशर रुधिर द्वारा जो धमनियों में लगता है ना, ये प्रेशर जब ज़्यादा मात्रा में लगता है तो इसके प्रभाव से धमनियाँ फटने की संभावना बन जाती है। और धमनियों के साथ साथ हृदय पर भी इसका घातक प्रभाव पड़ता है। तो धमनियों और हृदय पर मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है, और ऐसी स्थिति में हार्ट अटैक आने की संभावना, हृदय घात होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उच्च रुधिर दाब में हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, और निम्न रुधिर दाब में संबंधित अंग प्रभावित हो जाता है, उसका कार्य करना बंद हो सकता है। तो ये दो प्रमुख घटनाएं। इन रुधिर दाब को नियमित और नियंत्रित रखने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए, लोअर हो या हायर हो। सबसे पहली चीज़ तो ये कि 120 और 80, ये जो हमारा ब्लड प्रेशर का मान है वो लगभग ऐसे ही होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए कि जो खान पान है, मिर्च मसाले हैं, भोजन अधिक मात्रा में है, ये हमें नहीं करना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में नींद लेना चाहिए। चिंता, फिक्र और जो डिप्रेशन जिसे हम कह सकते हैं, वो व्यक्ति में नहीं होना चाहिए। लगातार चिंता करने से, किसी एक चीज़ को सोचने से, बार बार किसी बीमारी के बारे में सोचने से, या और किसी भी प्रकार की समस्या को हम बार बार माइंड करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ब्लड का जो ये जो सिस्टम है, जो 120-80 वाला बैलेंस है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ज़्यादा खान पान से, मसालों से, इनसे भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये ब्लड प्रेशर का प्रमुख कारण बनते हैं। अब बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है इसके चांसेस तो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, परंतु नियमित खान पान और जो हम एक तरह से डॉक्टरी परामर्श के अनुसार यदि जीवन जी लेते हैं तो फिर ब्लड प्रेशर की समस्या को हम हरा सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जैसे व्यायाम करना चाहिए, योग वगैरह है वो करना चाहिए, भोजन लिमिटेड मात्रा में करना चाहिए, ज़्यादा मिर्च मसाले, तले भुने हुए भोजन उपयोग में नहीं लेना चाहिए, और शाम को और सवेरे थोड़ा टहलना चाहिए, मॉर्निंग वॉक करना चाहिए। साथ साथ शाम के वक्त भोजन करने के बाद लगभग 30 मिनट तक पैदल चलना चाहिए। तो इन चीज़ों को अपना कर और हम रुधिर दाब को नियमित बना सकते हैं। ज़्यादा ब्लड का प्रेशर ज़्यादा भी नहीं होगा और लो भी नहीं होता है, यदि इन चीज़ों को हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो ये था ब्लड प्रेशर, रुधिर दाब का कम होना और ज़्यादा होना, दोनों के बारे में हमने बता दिया है। नेक्स्ट है नशीले पदार्थ। अगला एक टॉपिक है नशीले पदार्थ।
नशीले पदार्थ। देखिए वर्तमान समय में व्यक्तियों द्वारा आनंद प्राप्ति, स्वयं का भ्रम दिखाने या अन्य किसी कारण से व्यक्ति नशीले पदार्थों का आदि हो जाता है और धीरे 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 इतने नशीले पदार्थों का उपयोग करने लग जाता है कि उसके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ने लग जाते हैं। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में इन नशीले पदार्थों का उपयोग सिर्फ वयस्क पुरुष ही नहीं बल्कि बच्चे और महिलाओं द्वारा भी काफ़ी मात्रा में किया जा रहा है। आजकल आप देखते हैं कि ग्रामीण अंचलों में महिलाओं द्वारा, बच्चों द्वारा बड़ी मात्रा में तंबाकू है, गुटखे हैं या और भी नशीले पदार्थ हैं, उनका उपयोग किया जाता है। कुछ प्रमुख नशीले पदार्थों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं एक नशीला पदार्थ जिसे हम लेते हैं वो है गुटखा। गुटके से आप सभी भलीभांति परिचित होंगे क्योंकि वर्तमान संस्कृति का ये बड़ा भाग बन चुका है गुटका। आप देखते हैं कि किसी भी किराना या किसी भी जगह पर आपको ये आसानी से उपलब्ध होता है। होता नशीला पदार्थ है, व्यक्ति, बच्चे और महिलाएं बड़ी मात्रा में अब इसका उपयोग करने लगे हैं। विभिन्न प्रकार के संश्लेषित खुशबू वाले पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, चूना, कत्था और सुपारी के टुकड़ों की सहायता से गुटके का निर्माण किया जाता है और मार्केट में विभिन्न कंपनियों के अलग अलग नामों से कई प्रकार के ब्रांड या गुटके उपलब्ध करवाए जाते हैं। गुटके में जब जर्दा मिला लिया जाता है तो ये और ज़्यादा घातक प्रभाव छोड़ता है। लगातार गुटके के उपयोग से व्यक्ति के जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। जो जबड़ा है, क्योंकि रेगुलर मुंह में उसे रखता है व्यक्ति, तो जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं और इतनी कठोर हो जाती हैं कि व्यक्ति का धीरे धीरे मुंह खुलना बंद हो जाता है या काफ़ी कम मात्रा में मुंह खुलता है। ये गुटखा सेवन से होने वाला एक प्रमुख रोग है। इस रोग का नाम होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। सब म्यूकस फाइब्रोसिस, तो सब म्यूकस फाइब्रोसिस नाम का रोग गुटके के सेवन से होता है। जब व्यक्ति लगातार और अधिक मात्रा में गुटके का सेवन करता है तो होता यह है इस रोग में कि जबड़े की जो मांसपेशियां है वो कठोर हो जाती है, हार्ड हो जाती हैं और जबड़ा ठीक प्रकार से नहीं खुल पाता है। ऐसे व्यक्तियों कि जबड़ा जब ठीक प्रकार से नहीं खुलता है तो वो अपना मुंह नहीं खोल पाते हैं, भोजन को काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में वो ग्रहण करते हैं, बड़ा भाग वो नहीं मुंह में ले सकते हैं। तो ये जो एक रोग है सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग कहलाता है। ठीक है, घातक किस्म का रोग है क्योंकि जबड़ा लगभग बेकार हो जाता है, वो खुलता ही नहीं है, बहुत कम खुलता है, बहुत छोटे छोटे भाग वो भोजन के रूप में करते हैं, घंटों लग जाते हैं व्यक्तियों को इससे संबंधित जो रोग होने के बाद भोजन करने के लिए। ठीक है, तो गुटखा सेवन से ये रोग होता है सब म्यूकस फाइब्रोसिस। आपको नाम याद रखना है, एक नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है लगातार गुटके के सेवन से व्यक्तियों में कौन सा रोग होता है, सब म्यूकस फाइब्रोसिस। और होता क्या है इसमें कि जबड़े की मांसपेशियां कठोर होंगी जिससे जबड़ा या मुंह ठीक प्रकार से नहीं खुल पाता है। ठीक है, तो ये था गुटका। इसके बाद एक और नशीला पदार्थ है तम्बाकू। तम्बाकू जो निकोटीन वर्ग का एक पौधा है, निकोटीना टोबेकम इसका बोटेनिकल नेम है, इसमें निकोटीन नामक एल्केलोइड या रसायन पाया जाता है और ये जो निकोटीन है ये स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव छोड़ता है। इसके लगातार उपयोग से व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कई हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। तंबाकू का उपयोग भी आपने देखा होगा कि व्यक्तियों द्वारा विभिन्न तरीकों से किया जाता है। कुछ व्यक्ति चूने के साथ मिलाकर तंबाकू का उपयोग करते हैं, कुछ व्यक्ति पान के साथ
तंबाकू का उपयोग करते हैं, कुछ व्यक्ति बीड़ी सिगरेट आदि में या चिलम जो होती है उसमें तंबाकू का उपयोग करते हैं, तो अलग अलग प्रकार से तंबाकू का उपयोग व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। जब सिगरेट और बीड़ी में तंबाकू को जलाया जाता है तो व्यक्ति खुद भी प्रभावित होता है और यहाँ तक कि इससे जो धुआं निकलता है उसके कारण दूसरे जो आसपास बैठे हुए हैं उन व्यक्तियों के स्वास्थ्य पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। तो तंबाकू एक दूसरा ऐसा नशीला पदार्थ है जिससे व्यक्ति खुद तो प्रभावित होता ही है और साथ साथ दूसरे आसपास बैठने वाले व्यक्ति भी इससे प्रभावित होते हैं और कई बार जो प्रभावित व्यक्ति है उनको भी इससे वो इसको यूज नहीं कर रहे फिर भी वे इसके संपर्क में आने से गंभीर रोगों के श्वास संबंधित रोगों के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, आगे का नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।